पता लगाया है। उस नजरिए से अगर आप भाजपा के विचारधारा के विरोधी हैं या मुसलमान होने के नाते आप ऐसा समझते हैं कि जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ कैसे चले, उस पर भरोसा कैसे करें, तो ये बिल्कुल आपकी वाजिब वजह है। आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे पर्चे का ये हिस्सा जानते हैं कि 14 में मैंने मोदी जी का अभियान चलाया है, तो आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी मोदी भाजपा हारा है, हराने वाला कोई भी हो, चाहे वो बिहार में महागठबंधन हो, पंजाब में कांग्रेस हो, तेलंगाना में केसीआर हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, हराया चाहे जिसने भी हो, उन सब के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। यहां आपने बात करी है मुसलमानों की दुर्दशा पर, हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लोग सच्चर कमेटी में पढ़ते हैं, यहां बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें आपने कही। आप कह रहे हैं कि आपकी हालत ये क्यों है, कोई हमको अपना रहनुमा बनाना चाहता है, कोई पूछ रहा है कि आप बताइए पहले क्या कीजिएगा तब आप पर भरोसा करेंगे। किसी ने अपना मोहब्बत का पैगाम ही पूरा पढ़ दिया। मुसलमानों की ये जो दुर्दशा है, ऐसी किसी ने सही कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी होती रही है, आगे भी होगी, इससे मुसलमानों की दुर्दशा नहीं सुधरने वाली। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी इतनी दुर्दशा है क्यों, इसलिए नहीं है कि आपकी संख्या कम है, इसलिए नहीं है कि नेताओं ने आपको ठगा है, नेताओं ने जितना आपको ठगा है उतना समाज के दूसरे हिस्से को भी ठगा है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपके कौम के सबसे बड़े रहनुमा पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आप वो कौम हैं जिसको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है, वो समझ बनी ही नहीं। आप वो कौम हैं जिसकी शुरुआत का पहला शब्द ही है इकरा, पढ़ो, और उस कौम ने अपने बच्चों की पढ़ाई को ही छोड़ दिया। मेरे भाई, आपको प्रशांत किशोर से सीखने समझने की जरूरत नहीं है, न हम आपके रहनुमा हैं न होने का दावा करते हैं। आपको अपने कौम में जो बातें बताई गई हैं सामाजिक राजनीतिक सियासी नजरिए से, अगर आप उसको स्वीकार कर लें, उसी से आपकी बदहाली दूर हो जाएगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, ज्यादातर लोग यहां कहेंगे भैया विकल्प नहीं है। हम आपको उदाहरण देके बिहार के नजरिए से बताएंगे कि आपको कैसे रहनुमाओं की समझ नहीं है। आज जितने भी मुसलमानों से आप बात कीजिए, वो कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। 2014 में आपके पास विकल्प आया था। आज जो यहां के सदर हैं, हम उनके विरोध में खड़े हैं, वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार 14 में उन्होंने आपके साथ कोई दगा नहीं किया। यहां जितने शख्स बैठे हुए हैं, आप ये बात मानिएगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार हैं कि 2010 में जब उनकी चलती थी तो नरेंद्र मोदी को बिहार में उन्होंने घुसने नहीं दिया था। ये वही नीतीश कुमार है 2012 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना अभियान का चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर निकल गए, अपनी सरकार अपनी पूरी राजनीतिक करियर को दांव पर लगाया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में चुनाव के मैदान में आए तो यहां बैठकर बड़ी बड़ी बात करने वाले कौम के जो रहनुमा हैं, आपने नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं बनाया, तब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। मेरे भाई, अगर आप दगा करोगे तो आपके साथ भी कोई दगा करेगा।
आपने नीतीश कुमार के साथ भलाई का काम नहीं किया, तो नीतीश कुमार अगली बार जीत कर आया जब 15 में आपके वोट से, हम नीतीश जी के साथ थे, हमने वहां गठबंधन बनवाया था। नीतीश जी हमको हमेशा कहते थे प्रशांत जी कुछ भी कह लीजिए मुसलमान हम लोग के साथ रहेगा नहीं, तो जैसे ही उनको मौका लगा आपको ठग कर भाजपा की ओर चला गया। लेकिन मुसलमानों की राजनीतिक सलाहियत को आप देखिए, वही नीतीश कुमार अभी 1.5-2 साल पहले फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आ गए, इंडिया एलायंस बनाए और सारे मुसलमानों को लगा कि अब यही नया रहनुमा है जो हम लोग को देश में बचाएगा। अब वो आदमी चुनाव से पहले ही फिर आपको छोड़कर भाग गए, ये आपको क्या बताता है?